असं तुमचा पंतप्रधान एक रुलिंग दाखवा की बाबा आम्ही फीज नाही भरली तर पीटीए मेंबर बनणार नाही, आणि आम्ही फीज भरायला तयार असून पण ते नाही भरायचं म्हणजे कोणत्या विषय मेरी बच्ची की एक महीने की 140 रुपये फीस बाकी है। अब 140 रुपये कोई मायने नहीं रखता, तो मैंने उनको आज की 11 तारीख की मीटिंग में बोला कि भाई 10 तारीख को भरने का, आज 11 तारीख को भर लो और मेरे को मेंबरशिप में खड़ा रहने दो। इन्होंने बोले तुम्हारी फीस नहीं लेंगे, तुमको मेंबर नहीं बनाएंगे। नहीं, हम इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने पेरेंट को पहले से नोटिस भेजा था और उसके लिए 10 तारीख जो है, ये देखिए, ये 10 तारीख जून का फीस, जून तक का जितना भी एरियर्स फीस है वो 10 जून तक जो भरेंगे उनको इलेक्शन के लिए चांस मिलेगा। तो मैं बोला ऐसा कोई गवर्नमेंट का जीआर होगा वो बताओ कि भाई ये रूलिंग है और इसके तहत तुम फीस नहीं भरेंगे तो तुम पीटीएम मेंबर बन नहीं सकते। बोले नहीं, ये हमारा रूलिंग है। गवर्नमेंट का ऐसा कोई जीआर नहीं है, जीआर का प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वो जो है गवर्नमेंट का रूल क्या है कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपका ड्यूज क्लियर करना है, तो हम हमारा ड्यूज मांग रहे सर। आज पीटीए की मीटिंग थी, इन्होंने 11 तारीख की मीटिंग रखा था और इन्होंने सबको ना एक छोटा सा एक चिट्ठी पे लिख के दिया था कि जिसकी जिसकी फीस बाकी है वो भरो। मेरी बच्ची की एक महीने की 140 रुपये फीस बाकी है। अब 140 रुपये कोई मायने नहीं रखता, तो मैंने उनको आज की 11 तारीख की मीटिंग में बोला कि भाई 10 तारीख को भरने का, आज 11 तारीख को भर लो और मेरे को मेंबरशिप में खड़ा रहने दो। इन्होंने बोले तुम्हारी फीस नहीं लेंगे, तुमको मेंबर नहीं बनाएंगे। तो मैं बोला ऐसा कोई गवर्नमेंट का जीआर होगा वो बताओ कि भाई ये रूलिंग है और इसके तहत तुम फीस नहीं भरेंगे तो तुम पीटीएम मेंबर बन नहीं सकते। बोले नहीं, ये हमारा रूलिंग है। मतलब गवर्नमेंट के रूल की कोई इनको वैल्यू नहीं, इनका ही रूलिंग चलेगा, ये ऐसा इनका लफड़ा। ये ऐसा एक ही काम नहीं है सर, ऐसे बहुत से काम है इन्होंने जो किया। अभी नेशनल स्कूल में अगर फर्स्ट के बच्चे का है तो वहाँ 3150 रुपये बैग का और किताब का लिया जाता है, और वही तुम जाओगे तो वो हल्लारी विशा वस वाला उसमें वही सेम किताब सेम बक्सा 1800 रुपये में मिलता है। इन्होंने अभी करंट में 140 रुपये 340 रुपये फीस बढ़ाई, ना पीटीएम मेंबर को गए मालूम है ना कुछ मालूम है। इनसे जो भी रूल करेंगे बोलते हैं ये हमारा रूल है, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ये हिटलर शाही वाला हिसाब से चला रहे, और फीस का और उसका कोई ऐसा जीआर वो बता देवे कि भाई ये जीआर है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे विदाउट जीआर। बात करते शिक्षण अधिकारी से मैंने फोन पे बात किया वारगढ़ सर से, वो बोला हमारा ऐसा कोई रूलिंग नहीं, वो स्कूल अपना ही नियम चलाती है। तो वो मतलब जो अपन जो वो थापेंगे वो अपने को सुनना है। कल हमारा बच्चे के ऊपर कल बोलेंगे तुमको 1500 भरना, 3000 भरना, 10000 भरना, हम नहीं भरेंगे, हमारे बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इनके हिसाब से स्कूल चलेगी, गवर्नमेंट के हिसाब से स्कूल नहीं चलेगी क्या? शिक्षण अधिकारी आपको ये कहा कि वो स्कूल अपने चलाती, तो वो क्या कर रहे? वो सर बोलते वो उनका मैटर है, हम लोग को उनसे लेना नहीं, हमारा ये रूल है, हम लोग हमारे रूल से चलेंगे। एक स्कूल में कम से कम 60 से 100 बच्चे रहते हैं। आज हमारे पीटीए के मेंबरशिप में एक क्लास में सिर्फ 7 बच्चे थे, 7 पेरेंट्स, 7 पेरेंट्स में इन्होंने इलेक्शन भी कर दिया। कोई पेरेंट्स मेरे 50% जरूर है, लेकिन पेरेंट्स कोई मेरे अगेंस्ट में था भी नहीं, तो भी इन्होंने मेरे को पीटीए मेंबर बनाया नहीं। और पाटिल साहब का साफ कहना है कि जो बोलने वाला आदमी हमको वो मांगता ही नहीं है। नहीं, हम इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने पेरेंट को पहले से नोटिस भेजा था और उसके लिए 10 तारीख जो है, ये देखिए, ये 10 तारीख जून का फीस, जून तक का जितना भी एरियर्स फीस है वो 10 जून तक जो भरेंगे उनको इलेक्शन के लिए चांस मिलेगा। हमने नोटिस भेजा है पेरेंट को। नहीं नहीं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल ही ऐसा है, कोई भी इलेक्शन है तो इलेक्शन होने के पहले आपको ड्यूज कवर करना है। हाँ, और जब तक आपका ड्यूज क्लियर नहीं होता है तब तक आप इलेक्शन कोई लड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो उसका हमने
नोटिस निकाला था और वो लास्ट डेट था 10, और जिनकी शिकायत है वो आ जाए, उनका फीस जो था वो कल वो भर सकते तो नियम रहता है, तो नियम होगा ना, तो नियम नहीं, स्कूल का नियम क्या है, गवर्नमेंट स्कूल चला रही है तो गवर्नमेंट का रूल चलेगा ना, हमारे स्कूल का थोड़ा चलेगा, गवर्नमेंट के रूल से ही स्कूल चलेगा। हाँ गवर्नमेंट का ऐसा कोई जीआर नहीं है, जीआर का प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो जो है गवर्नमेंट का रूल क्या है कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपका ड्यूज क्लियर करना है, तो हम हमारा ड्यूज मांग रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने पहले से प्रायर नोटिस भेजा गया है। हमारी स्कूल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल है। क्या जब आपकी स्कूल अगर गवर्नमेंट के लॉ से चलती है तो क्या आपके स्कूल में पीटीए की जो मनाते हैं कमेटी में? हाँ, तो पीटीए जो तय करती है वही फीस बनती है। हाँ,